कोई बच्चा मरे या गिरा कोई मतलब नहीं है। दवाई टाइम से चलाना, दवाई टाइम से खिलाना, ये सरकार के फर्ज है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती है। लोग सोचे ही आजकल दुनिया में नहीं सोचता है, लेकिन सोचे तो आज बच्चा नहीं मरता। अम्मा ये बताइए कि ये जो मौत का वजह हुआ है ये किस वजह से हुआ, आखिर मौत जो इतनी हुई है ये कैसे हुआ है? ये मौत किसी से नहीं, ये गर्मी की चलती है। और सरकार का क्या फर्ज है कि हाँ जाके देखभाल करना और समझना बुझना, दवाई टाइम से चलाना, दवाई टाइम से खिलाना, ये सरकार के फर्ज है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती है। सरकार क्या है, राजा बस अपना बैठे गद्दी में, कोई बच्चा मरे या गिरा कोई मतलब नहीं है। अगर कोई भी नेता रहे, अगर सही नेता रहे तो इस बच्चे का दुख नहीं होता, किसी को औलाद औलादे होता है। आज बच्चा मर जाता है तो कोई पार्टी मनाता है, ये कहीं हो सकता है? सलाम रहते थे तेजाब छिड़ के मार देते, औलाद औलादे होता है। आजकल नेता सपना अपना मतलब ही करता है, जीत गया बैठ गया आराम से गद्दी में, क्या बच्चा का हॉस्पिटल में क्या दवाई सही चलता है या नहीं चलता। ये मौत का वजह क्या है, या सरकार की लापरवाही है या फिर डॉक्टर की लापरवाही? सरकारें ढील दे रही है, अगर सरकार सही रहती तो आज बच्चा नहीं मरता। अगर सही इलाज चलता, सही दवाई चलता तो बच्चा नहीं मरता। क्यों मरता आदमी, हम ही लोग भी खा रहे हैं, हम लोग पी रहे हैं, मान लीजिए तबीयत खराब है दवाई से ठीक होता है, लेकिन सरकार तो आँख मुँह के बैठी हुई है, बच्चा पर ध्यान नहीं देता। आज बच्चा पर ध्यान देता तो सर बच्चा नहीं मरता, 100-200 से बच्चा मर, किसके जिसका औलाद गया था उसका दिल में क्या बीतेगा। लोग सोचे ही आजकल दुनिया में नहीं सोचता है, लेकिन सोचे तो आज बच्चा नहीं मरता। बस नेता तो अपना देख के चल जाता है यहाँ। अरे सरकार तो जो कर्मचारी जो है उसको प्रकीर करना चाहिए, ये दवाई देती है या नहीं देती है, देखभाल करती है या नहीं करती है। आकर तो सब कुछ देखौटी कर लेता है, नेता के सामने चला गया तो बस वो अपना जगह, ये अपना जगह, अपना आराम से बच्चा मरे या कराए कोई मतलब नहीं। ना नर्स की दरकार है, ना डॉक्टर की दरकार है। अगर डॉक्टर सही रहता तो डॉक्टर भी देखता अच्छा से, लेकिन नहीं, डॉक्टर भी केयर नहीं करता बच्चा के ऊपर। बस अभी यही इतनी कहना चाहते। आपका पूरा नाम? मेरा नाम हुआ राजू खुराना। अच्छा आप ये बताइए कि मुजफ्फरपुर में जो ये जो मौत हो रही है इसका क्या मुख्य वजह है? मुख्य वजह है प्रशासनिक लापरवाही। सबसे पहले मैं प्रशासन महोदय से ये दरखास्त करूँगा कि आज मैं एक व्यवसायी हूँ, मैं अपनी दुकान खोलता हूँ, तो मुझे हर जगह मॉनिटरिंग करनी है कि मेरे दुकान में गोडाउन में कहाँ गंदगी है, कहाँ मेरा स्टाफ मेरे बर्तन को साफ कर रहा है कि नहीं, पूजा वाले को झाड़ू लगा रहा है कि नहीं, पोछा लगा रहा है कि नहीं, मेरे व्यापारियों से वो ढंग से बात करता है कि नहीं। उसी तरह मैं वहाँ के प्रबंधक से ये दरखास्त कर रहा हूँ कि आप भी अपने एसी चेंबर से और वाइट वाले तौलिया से वाले जो चेंबर वाले रिवॉल्विंग चेयर है उससे उठ करके ज़रा एक घंटा भी अगर आप ये मॉनिटरिंग कर लें कि कहाँ पंखे खराब हैं, कहाँ पर गंदगी है, किस बच्चे को क्या चढ़ रहा है। रोज़ पेपरों में दैनिक भास्कर का मैं नियमित पाठक हूँ, रोज अखबार में निकल रहा है कि 40% पंखे खराब हैं, वहाँ गंदगी फैली है, वहाँ नरकंकाल आधे जले हुए हैं। जब प्रशासन के या किसी बड़े नेता का आगमन होता है थोड़ी बहुत साफ सफाई करके लिपा पोती की जाती है, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्या यहाँ के सांसद महोदय लेंगे, यहाँ के विधायक महोदय लेंगे, या अथवा वहाँ के जो हेड है वो लेंगे? कौन लेगा? या जिनके नीचे स्तर के जो कर्मचारी हैं उनको एक मॉनिटरिंग किया जाए, उनके ऊपर प्रेशर नहीं बनाया जाए, उनको रिक्वेस्ट किया जाए कि साफ सफाई पर ध्यान दे, जरा नज़र घुमा कर अगर 365 दिन अगर ये काम कर लिया जाएगा तो रोज़ अखबारों में जो निकलता है कि इतनी गंदगी व्यापक है वहाँ पर और इतने बच्चे की मौत हो रही है, इसका कौन जवाबदेही लेगा? ये बताइए कि जैसे कि आपने कहा कि वहाँ गंदगी इतने हैं, इतने सारे पंखे टूटे हुए हैं, एसी नहीं है, तो इसमें क्या सरकार की लापरवाही है? सरकार ने तो अपना फंड दे दिया, सरकार ने मॉनिटरिंग भी समय समय पर डीएम द्वारा करते हैं, डीएम ने आदेश दे दिया। मेरा मुख्य कहना यही है कि जैसे मैं दुकान का मालिक हूँ, वहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं उनकी ये जवाबदेही बनती है कि साल के 365 दिन मॉनिटरिंग करें। अभी पिछले दिनों दैनिक भास्कर में निकला था कि पानी वाला जो है वो मिलता है दाल, दूध में महक आ रही है, प्रूफ के साथ है। को मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये मुजफ्फरपुर के अखबार की रिपोर्टिंग है।
अखबार की रिपोर्टिंग देखे, वहाँ के जो प्रबंधक है शायद सुनील शाही जी हैं कि कौन है, मुझे थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ मैं इस नाम से कम इस बात की अगर जवाबदेही ले लेंगे, सारे प्रशासनिक स्तर से अपने सारा काम हो जाएगा। डीएम महोदय ने आदेश दे दिया, बहुत अच्छी बात है, वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सभी लोग इसके लिए प्रयासरत हैं, हम लोग चिंतित हैं। लेकिन समय समय पर जब अखबार में ऐसी नेगेटिविटी न्यूज़ छपती है कि दूध में महक आ रहा है, मुआवजे के लिए कल ही का पेपर मैंने देखा कि मुआवजे के लिए अभी तक ले मुआवजे के लिए लोग दौड़ रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता है। एक मैं एक अच्छे शहरी के नाते फिर से एक दरखास्त करूंगा प्रशासन से कि इसको जल्द से जल्द, अगर आज साफ सफाई जागरूकता का अभियान, ये फिर बरसातें आ जाएंगी, फिर वही लिपापोती हो जाएगी, अगर इसी को कंटिन्यूटी कर दिया जाए और जागरूकता अभियान चलाया जाए तो जो भी आदमी इसमें जागरूक नहीं है वो जागरूक भी हो जाएंगे और मौतें भी रुकेंगी और बहुत अच्छे शहर का नाम भी हो जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।